बागवानी तापमान बढ़ने से हिमाचल में सेब की फसल को नुकसान। मार्च अप्रैल में अप्रत्याशित रूप से तापमान में बढ़ोतरी से हिमाचल प्रदेश में सेब की फसल को भारी नुकसान हुआ है। विशेषकर निचले ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फ्लावरिंग और सेटिंग प्रभावित हुई है। शिमला जिले के अलावा कुल्लू के आनी और दलाश मंडी के कटसोग सहित अनेक क्षेत्रों में 6000 फीट से कम ऊंचाई वाले बगीचों में नुकसान हुआ है। साहसिक गतिविधियां हाईकोर्ट की अनुमति के बाद मनाली की राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग साइटों पर लौटी रौनक। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन नगरी मनाली से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सुप्रसिद्ध स्की किंग ढलान सोलंग नाला। लगभग 2 महीने तक सुनसान पड़ी ढलान पर बुधवार को रोमांच से भरा पैराग्लाइडिंग का खेल शुरू हुआ। देश के कोने कोने से पहुंचे सैलानियों ने पैराग्लाइड की उड़ानी भरी। ब्यास नदी में बनी रिवर राफ्टिंग साइटों पर भी राफ्टिंग शुरू होने से रौनक बढ़ गई है। हिमाचल कैबिनेट बैठक, लोनीवी में मल्टीटास्क भर्ती को मिल सकती है मंजूरी। शिक्षकों के अंतर जिला तबादलों पर भी फैसला होने की उम्मीद। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक गुरुवार को दोपहर बाद 2 बजे शुरू होगी। इसमें कई फैसले संभावित है। बैठक में लोक निर्माण विभाग में कई मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा जीबीटी और सीएनबी के अंतर जिला तबादले का मामला भी बैठक में जा सकता है। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने और एसएमसी शिक्षकों को एक्सटेंशन देने का मामला भी एजेंडे में शामिल होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सचिवालय में होने वाली बैठक में कोरोना वायरस के मामलों पर भी चर्चा होगी। स्वास्थ्य विभाग का बड़ा फैसला, हिमाचल में अब हर महिला के खून की होगी जांच। हिमाचल प्रदेश में अब हर महिला और युवती की खून की जांच होगी। प्रदेश को एनीमिया मुक्त करने के लिए सरकार की पहल करने जा रही है। आशा वर्करों को इस काम का जिम्मा सौंपा जा रहा है। ये वर्कर घर घर जाकर महिलाओं के खून की जांच करेंगे। इन वर्करों को सरकार की ओर से हीमोग्लोबिन मीटर उपलब्ध कराए जाएंगे। अगर महिलाएं एनीमिक पाई जाती है तो उन्हें उपचार के लिए अस्पताल लाया जाएगा। डॉक्टरों की माने तो हिमाचल में महिलाओं और युवतियों का HB 12 से 14 के बीच होना चाहिए।